काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का आज प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह का सीधा प्रसारण बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के आवास पर देखने की व्यवस्था की गई थी। विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष समेत कई लोगों ने एक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। इस मौके पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि ऐतिहासिक क्षण है। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि काशी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी विकास किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वरूप को और बेहतर करने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष ने इस मौके पर कहा, प्रधानमंत्री के इस कार्य से काशी का काफी विकास होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण कर रहे हैं और जो कार्यक्रम काशी में आयोजित की गई है उसका प्रसारण जो है यहाँ पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद के सभापति, तमाम लोग जो है इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि बड़ी अच्छी जो कही जा सकती है मंदिर को भव्य स्वरूप दिया गया, क्या कहेंगे सर? प्रधानमंत्री की एक बड़ी सोच दिखी है। निश्चित तौर पर सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आज का दिन पूरे देश को गौरवान्वित कर रहा है और पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व काशी की पवित्रता, काशी की महिमा, काशी की गरिमा से अभिभूत होकर आज देश के प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद भी दे रहा है कि आपने सांस्कृतिक विरासत को फिर से पुनर्जागरण की ओर ले चले हैं। हृदय से हम उनको नमन करते हैं। 250 साल बाद मंदिर का जो कहा जाता है कि स्वरूप बदला गया, बहुत भव्य स्वरूप दिया गया सर, एक जो पुरानी जो आस्था है उसको लेकर भी सर क्या कहेंगे? देखिए, ये आने वाला वर्षों वर्ष तक याद रखेगा लोग कि देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो काशी से शुरुआत हुई है, अयोध्या, काशी, ये तमाम जगह पर भारत के गौरव को फिर से एक बार स्थापित करने का, एक बार इस महत्व से विश्व को परिचित कराने का और शिव भक्तों को धर्म के प्रति आस्था, मानव कल्याण के प्रति आस्था रखने वाले लोगों के मन में एक सात्विक सकारात्मक भाव उत्पन्न करने का एक जो पथ प्रदर्शक के रूप में प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, ये लोगों को वर्षों वर्ष तक याद रहेगा। जो ऐतिहासिक काम हुआ उसकी तो तस्वीर यहाँ पे देखिए। बिहार विधान परिषद के सभापति भी हमारे साथ हैं, अवधेश सिंह जी, उनसे हम जान लेते हैं। सर, एक ऐतिहासिक पल है जिसकी गवाह आप भी लोग बन रहे हैं सर, देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम, सर क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो दोनों रूप देखा है। बनारस हम बहुत जाते हैं और पूजा करते हैं, करीब करीब पहले तो हर एक महीना में जाते थे, लेकिन कोरोना के बाद से ये रुक गया है। और पहले का भी रूप जो है, पूजा करने में कितनी कठिनाई होती थी ये हमने महसूस किया है। आज लगता है कि ये एक पूर्ण रूप इसका हुआ और काशी विश्वनाथ को ये संपूर्णता मिल रही है। कुछ बाकी है अभी, लेकिन फिर भी संपूर्णता की तरफ बढ़ रहा है और इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री ये नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है और योगी जी जो कि वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनका योगदान मिल रहा है और इनका श्रेय भी मिल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के घर पर हरियाणा के विधानसभा के उपाध्यक्ष भी पहुंचे हुए और सभा से जुड़े हुए जो सदस्य वो है। सर, एक ऐतिहासिक क्षण है प्रधानमंत्री काशी मंदिर का जो आज लोकार्पण कर रहे हैं, सर क्या? हमारे लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी बात है कि आज माननीय प्रधानमंत्री खुद उसका उद्घाटन कर रहे हैं और मैं पूरे देशवासियों को जहाँ बधाई देता हूँ। हरियाणा के विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, इन्होंने पटना आकर बिहार विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष साथ ही साथ विधान परिषद के सभापति से मुलाकात की और ई विधानसभा विधान परिषद जो शुरुआत हुई है बिहार में उसको देखने के लिए यहाँ पहुँचे। टीम उसका सर्वे करेगी और हरियाणा में भी जो है विधानसभा जो है बजट सेशन तक जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन हो जाए, इसको लेकर ये यहाँ पर ये जो टीम पहुँची है वो उसकी जाँच करने के लिए पहुँची है। इस समय कैमरा पर्सन सुनील के साथ गौतम गौंड का सिस्ट न्यूज़ पटना।